गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का बीएससी 6 सेम का फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि ये फोटोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो फोटोकेमिस्ट्री दैट मींस द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस ऑन केमिकल रिएक्शंस, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ सम लाइट रेडिएशंस, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, लेकिन जो फोटोकेमिस्ट्री में जो हम पढ़ेंगे या जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो केवल किस में होती हैं, दैट इज इन विजिबल रीजन और दैट इज इन यूवी रीजन। ये दो ऐसे रीजन हैं जिसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हो पाते हैं, यानी जो इनकी रेंज होती है दैट इज 800 टू 200 नैनोमीटर के बीच में। यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इस रेंज की, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस विच ऑकर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले इसमें दो इंपॉर्टेंट लॉ हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रुथर्स ट्रैपर लॉ और दूसरा है स्टार आइंस्टीन लॉ ऑफ द फोटोकेमिकल इक्वरेंस। एग्जाम पर्पस के लिए दिस लॉज आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर ये दोनों लॉज पूछे जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस दीज टू लॉज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रुथर्स ट्रैपर लॉ को। सो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ये पहला फर्स्ट लॉ था फोटोकेमिस्ट्री का, और थ्योरेटिकली दैट वॉज गिवन बाय दिस साइंटिस्ट नोन एज ग्रुथर्स इन 1818। और जो एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया गया था वो किया गया था बाय ट्रैपर इन 1841। नाउ इसको समझते हैं कि ये लॉ हमारे को क्या बताता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन अ बॉडी, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड। मीन्स हमारे पास सपोज कोई एक बॉडी है या उसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें जो लाइट, जो रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, तो वहाँ तीन फिनोमेना हो सकते हैं कि या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए या फिर वो उसमें से ट्रांसमिटेड हो सकती है या ट्रांसमिटेड उसमें से हो जाए। नाउ अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए क्या जरूरी है कि जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं वो इस लाइट को कितनी एब्जॉर्ब करते हैं, जो रेडिएशंस इसमें से पास ऑन हो रही है तो वो कितनी एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस उस पर डिपेंड करता है। सो इट इज ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट कि कितना एब्जॉर्ब हुई है विच इज इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। तो एब्जॉर्ब लाइट ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जितनी भी एब्जॉर्ब लाइट, जितना भी उस मॉलिक्यूल्स ने या जो एटम्स ने एब्जॉर्ब की है लाइट, क्या वो सभी की सभी 100% भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है। तो नाउ लेट्स सी। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल द एब्जॉर्ब रेडिएशन मे नॉट, सभी की सभी जितना भी एब्जॉर्ब हुआ है 100% वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है केमिकल चेंज के लिए। तो क्या होता है कि समटाइम्स द एब्जॉर्ब लाइट मे बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो ये हो सकता है कि जो एब्जॉर्ब की गई है लाइट, जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब की हैं, दैट मे बी कन्वर्टेड इनटू हीट। क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स आपस में लाइट एब्जॉर्ब करके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उससे उनका कॉलिजन होगा और वो एक दूसरे जब टकराएंगे तो हो सकता है कि उसका जो एब्जॉर्ब लाइट है उसका कुछ पार्ट वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। या ये हो सकता है कि जो एटम या जो मॉलिक्यूल्स ने जो एब्जॉर्ब की है, एब्जॉर्ब लाइट इतनी सफिशियंट हो कि वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाए, और इजेक्ट होने से क्या होगा उसको हम कह सकते हैं कि दैट शो सम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो सकता है अगर वहां पर सफिशियंट एनर्जी हो जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट आउट हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जितनी एब्जॉर्ब लाइट
जो हुई है दैट मे गेट री एमिटेड, वो वापस री एमिट हो जाए, या तो उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम हो या वो डिफरेंट भी हो सकती है। यानी अगर जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उस मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के द्वारा उस, तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो वापस री एमिट भी हो सकती है हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ, या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो और या कुछ पार्ट है दैट मे गेट चेंज इन टू दीज टू इम्पोर्टेंट फिनोमिना दैट इज नोन एज फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंसेस। ये रेडिएटिव फिनोमिनाज हैं, इसको आगे हम डीपली इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होते हैं। अब हम चलते हैं कि इट मे ऑल्सो हैपन दैट लाइट इज नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टिंग सब्सटेंस, इसको समझना जरूरी है, बट इट मे एब्जॉर्ब बाय सम अदर सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट अलोंग द रिएक्टेंट एंड दिस सब्सटेंस ट्रांसफर द एब्जॉर्ब एनर्जी टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच देन टर्न इन टू द प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज द फोटोसेंसिटाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि वॉट इज फोटोसेंसिटाइजेशन, तो इसको भी हमारे को ध्यान में रखना है कि फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है। तो इसको समझते हैं कि इसमें क्या फोटोसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है, कि सपोज हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, सो देर आर लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वहां पर इसके अलावा वहां पर एक दूसरे सब्सटेंस भी हैं। सो मैं इसको ब्लैक में बना रहा हूँ, जो दूसरे सब्सटेंस हैं। अब जो इस पे रेडिएशंस आ रही हैं, जो यहाँ इस पे रेडिएशंस गिरेंगी, तो यहाँ जब रेडिएशंस गिरेंगी तो ये जो रेडिएशन आई है दैट इज एब्जॉर्ब बाय सपोज दिस ब्लैक, ये जो ब्लैक वाले जो सब्सटेंस हैं इन्होंने इसको लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है यहाँ पर, जो जितनी भी इस पे गिरी, ना कि रेड वन ने, यहाँ पर जो एक्चुअल में जो रिएक्टेंट है वो रेड है और एक दूसरा सब्सटेंस है वो ब्लैक जिसको मैंने बनाया, उसने ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करी, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाले सब्सटेंस इन रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस प्रोवाइड द एनर्जी टू दिस रेड वंस। तो यहां पर क्या है कि रिएक्टेंट खुद एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, यहां मैंने रिएक्टेंट इसको लिया है रेड वन को, ये दीज आर द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट हैं ये, और जो ब्लैक इसमें मैंने बनाए हैं ये हैं जो उसके अंदर दूसरे सब्सटेंस हैं जो खुद एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को। तो रिएक्टेंट खुद एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है लाइट, उसमें दूसरे ऐसे कोई सब्सटेंस हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ पर और अंदर ही अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे, तो इससे हम कहते हैं दैट इज नोन एज फोटोसेंसिटाइजेशन। उसका बेस्ट एग्जांपल है वो आता है फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। तो वहां पर लीव्स होती हैं, लीव्स में क्या होती हैं, वहां पर बहुत सारे हमारे पास क्लोरोफिल्स होती हैं, तो क्लोरोफिल्स जितनी भी सनलाइट से रेडिएशंस आती हैं उसको एब्जॉर्ब करता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग दिस कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन नेचर ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन। नाउ द सेकेंड लॉ दैट इज स्टार्क आइंस्टीन लॉ, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। सो ये लॉ इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी एटम और मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन द फोटोकेमिकल रिएक्शंस एब्जॉर्ब वन क्वांटम, एक क्वांटा को एब्जॉर्ब करता है ऑफ द रेडिएशंस टू विच द सब्सटेंस एक्सपोज्ड, और इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शंस ईच रिएक्टिंग एटम और अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब वन फोटोन, या हम उसको फोटोन कह सकते हैं या हम उसको क्वांटा कह सकते हैं ऑफ लाइट विच कॉज द रेडिएशन। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू स्टार्क आइंस्टीन लॉ ये क्या है, देखो यहाँ लॉ ही कह रहा है कि लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस मींस कि अगर हमारे पास सपोज हमारे पास एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है या एक एटम है, तो ये अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन जा रहा है तो ये एक पर्टिकुलर एक फोटोकेम सॉरी वन फोटोन को एब्सॉर्ब करेगा। अगर हमारे पास सपोज दो हैं
अगर हमारे पास दो एटम्स हैं या दो मॉलिक्यूल हैं तो ये दो फोटोन को या दो क्वांटा को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर हमारे पास तीन हैं, अगर हमारे पास तीन मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं तो ये कितनी एब्जॉर्ब करेंगे? ये भी थ्री क्वांटा या फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे। मींस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जितने एटम्स हैं या जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी एक-एक फोटोन को एब्जॉर्ब करके केमिकल रिएक्शंस के लिए जाएंगे। मींस जितने वहां पर एटम्स प्रेजेंट हैं या जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उतने ही फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। इसको और समझते हैं। देखो यहाँ पर सपोज वन, यहाँ पर वन फोटोन मीन्स एनर्जी इक्वल्स टू द एच न्यू, वेर एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। सो हमारे पास एक कोई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है तो उसने एक लाइट एब्जॉर्ब किया, एक फोटोन एब्जॉर्ब किया एंड दैट गोज इन टू सम एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, वहां पर वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया एंड दैट इज कन्वर्टेड इन टू दिस प्रोडक्ट। सपोज ये हमारा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, इसको हम ले लेते हैं ए, और ये हमारा एक्साइटेड मॉलिक्यूल, इसको ए स्टार से यहाँ डिनोट कर लेते हैं, दैट इज कन्वर्टेड इन टू बी। तो हमारे पास अभी यहाँ पर हम समझने के लिए केवल एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को ले रहे हैं। तो उसने एक मॉलिक्यूल है तो उसने केवल एक फोटोन को उस टाइम पे एब्जॉर्ब किया है। सो अब इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन देखें तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, उसने एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्साइटेड मॉलिक्यूल एंड दैट एक्साइटेड मॉलिक्यूल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू दिस प्रोडक्ट बी। तो ओवरऑल रिएक्शन इसका ये हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर अगर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनफाइनाइट एटम्स होते हैं, तो हम उनको कैसे डिनोट करते हैं? हम उनको एवोगैड्रोस नंबर से इंट्रोड्यूस करते हैं। सो नाउ एनर्जी अब्सॉर्ब बाय वन मोल, अब हम पूरा वन मोल के बारे में बात कर रहे हैं ना कि एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में। अगर अब हम यहाँ बात करेंगे वो कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ वन मोल। सो नाउ द वन मोल ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, तो वहां अगर वन मोल होगा तो हमारे को एक टर्म लगाना पड़ेगा, दैट इज एन। सो नाउ द एनर्जी, अब वो किसके बराबर हो जाएगी? दैट इज एन एच न्यू के बराबर में हो जाएगी। फिर एन इज द एवोगैड्रोस नंबर, उसकी जो वैल्यू है दैट इज 6.022 × 10²³ मोल्स। ओके, सो अब इसको थोड़ा सा हम और चेंज कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और न्यू इज द सी अपॉन लैम्डा। तो हम इसको यहाँ पर इस वैल्यूज को यहाँ रखेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज लाइक दिस, ए वेयर एन इज द एवोगैड्रोस नंबर, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या होगा यहाँ पर, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट दैट इज 6.626 × 10²⁷ अर्थ पर अर्थ सेकंड्स, वो यहाँ पर इसकी सारी ये जो वैल्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है फॉर दिस पर्टिकुलर लॉ। सो अब यहाँ जो ये ई है, यहाँ पर जो कैपिटल ई है, यहाँ पर हम इसको कहेंगे आइंस्टाइन। ये जो वैल्यू है नाउ, अब इसको हम एनर्जी टर्म में नहीं डिनोट कर रहे, हम इसको आइंस्टाइन कह रहे हैं। सो आइंस्टाइन क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर मोल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, दैट इज नोन एज आइंस्टाइन। या एनर्जी अब्सॉर्ब बाय वन मोल ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वन आइंस्टाइन। सो हियर कैपिटल ई दैट इज द आइंस्टाइन। अब इसको अलग अलग सिस्टम के अंदर उसको कैसे, उसकी जो वैल्यूज क्या होंगी उसको देख लेते हैं। इन सीजीएस सिस्टम दैट इज इक्वल टू ई इक्वल टू 2.86 कैलोरीज पर मोल, वेयर लैम्डा इज इन सेंटीमीटर। अब अगर हम लैम्डा को, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये, जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो गया, 10⁻⁸ हो जाएगा, और जब ये, तो इसका टोटल क्या निकल के आएगा, दैट विल बी दिस। ओके, सो यहाँ पर अगर हम इन सब की वैल्यूज यहाँ रखते हैं, यहाँ पर एन की वैल्यू रखते हैं, एच की वैल्यू रखते हैं और सी की वैल्यू रखते हैं,
और ये लैम्डा को हम इसमें इनकी वैल्यू उसको सेंटीमीटर में रखते हैं। तो हमारे पास जब इनकी वैल्यू सब रखते हैं तो यहाँ पर हमारे ये निकल के आता है कि दैट इज इज इक्वल्स टू 119.7 × 10^6 अपॉन लैम्डा, बट दैट इज इन अर्ग्स पर मोल। ये वैल्यूज जो होती हैं इसमें है, बट यहां पर है कैलोरीज। तो इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 119.7 × 10^6। इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा दैट इज बाय 4.184 × 10^7। इससे दैट इज आर्क्स। तो अगर हम इसको से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 2.86 अपॉन लैम्डा कैलोरीज पर मोल। ये हमारी वैल्यू निकलेंगे बिकॉज वन कैलोरीज किसके बराबर है, दैट इज 4.184 × 10^7 आर्क्स। तो यहाँ पर ये वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये वैल्यूज हमें याद रखनी है इन सीजीएस सिस्टम, और इसको अगर हम कैलोरीज के टर्म्स में किलो कैलोरीज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10^5 हो जाएगी। ऐसा यूनिट में लैम्डा को हम एक्सप्रेस करते हैं इन मीटर्स। ओके, तो यहाँ पर जो ऊपर वैल्यूज निकली थी तो दैट विल बी इक्वल टू दिस इज द सेम। तो यहाँ पर अब SI यूनिट के अंदर द वैल्यू विल बी 11.97 × 10^-5 अपॉन लैम्डा किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू हमारे को SI यूनिट के लिए इसको याद रखनी है। तो CGS में इसकी वैल्यूज अलग हैं और SI यूनिट के अंदर इसकी वैल्यूज अलग हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो एनर्जी है पर आइंस्टाइन That is inversely proportional to the wavelength. जो आइंस्टाइन वैल्यू है that is inversely proportional to the this wavelength. Okay, तो as the wavelength decreases from infrared to ultraviolet regions, the value of energy per आइंस्टाइन increases from IR to UV regions, यानी UV radiation से, because these are आइंस्टाइन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द दिस वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ डिक्रीज होती है फ्रॉम इंफ्रारेड टू अल्ट्रावायलेट रीजंस तो वैल्यू ऑफ एनर्जी पर आइंस्टाइन दैट विल इंक्रीजेस फ्रॉम दिस इंफ्रारेड टू यूवी रीजंस। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ दिस फोटोकेमिस्ट्री। आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियोस में।